ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत मैं हूं विकास डांगिया वास्तु लिविंग में हमारे साथ हैं हमारी वास्तु और फंक्शन एक्सपर्ट पल्लवी चिल्लावाड़ा पल्लवी आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक से पहले हम लॉट्स uh, के स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे हैं और बहुत खूबसूरती से आपने बताया कि भी यू कैन प्ले अराउंड विद स्ट्रक्चर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वर्क एंड डिपेंडिंग ऑन दी यू नो फैमिली के लोगों के स्वभाव पर या उनके uh, उनकी बहुत सी चीज़ों को मद्देनजर रख कर के आप स्ट्रक्चर्स के साथ प्ले अराउंड कर सकते हैं जिससे लोगों को बहुत सारा फायदा हो आ, और इस बीच जो बात प्रश्न मेरे जहन में आ रहा था हम बात कर रहे थे फॉल सीलिंग से रिलेटेड और अंदर के परिवर्तन की बात कर रहे हैं कुछ स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने बेसमेंट का भी क्रिटिकल रोल देखा है मैं चाहूंगा उस पर कुछ जानकारी दें आप बहुत अच्छी बात बोली वास्तुशास्त्र के अंदर बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी है कि वास्तु में ये माना जाता है कि बेसमेंट नहीं होना चाहिए नहीं। ये बहुत ही गलत बात है वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तु कोई सी भी बिल्डिंग के अंदर जहां अगर पॉसिबल हो तो आप बेसमेंट जरूर बना सकते हो बट उसके अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जैसे आमतौर पर बेसमेंट के अंदर बैठकर कोई काम नहीं करना चाहिए बेसमेंट में एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए बेसमेंट यानी कि खड्डा ये सब जो वर्ड्स आपने सुने हैं उसमें क्या होता है कि कोई भी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए और अगर उसका बेसमेंट बाहर का जो रोड है उसके रोड लेवल से वो कम्प्लीटली डाउन में हो यानी कि बेसमेंट के गोल इर्द गिर्द घूमती हुई कोई खिड़की ना हो वो रोड लेवल से बिल्कुल डाउन हो जी। और सिर्फ जगह को बना दिया गया हो फिर आप उसमें आर्टिफिशियल लाइट कितनी भी डालो बट वो तो सिंपली एक खड्डा है बट खूबसूरत खड्डा है तो उसको वास्तुशास्त्र में अलाउड नहीं किया जाता वास्तु के अंदर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है हर जमीन के अंदर हर घर के अंदर और जगह सबसे आइडियल तभी अच्छी है जहाँ पे प्रॉपर वे से एयर सर्कुलेशन सनलाइट सारी चीजें सही तरीके से मिलनी चाहिए क्योंकि वास्तु नेचर से रिलेटेड सब्जेक्ट है नहीं, नहीं। किसी भी आदमी को यहाँ पे रहने के लिए सनलाइट एयर सर्कुलेशन ऑक्सीजन सब कुछ प्रॉपर वे से चाहिए क्योंकि चाहिए। उसकी रिक्वायरमेंट है अगर वो जगह में वो चीजें मिलती है तो वहां पे लंबे अरसे तक काम करने के बाद आदमी हेल्थी रहता है फाइनेंशियली स्ट्रांग रहता है तो इसकी वजह से रोड लेवल से अगर हम खड्डे में चले जाते हैं और हम बहुत लगातार लंबे अरसे तक बैठ के वहां पे काम करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट आपकी हेल्थ पे किसी न किसी चीज पे जरूर होगा और वास्तु में हमेशा ये देखा जाता है कि हम आपको कितनी अच्छी हेल्थी पीसफुल लाइफ दे सके तो जहाँ पे भी इंसान की लाइफ को जरा से भी मुश्किल हो ऐसे किसी भी शेप को हम अलाउड ही नहीं करते जी, बिल्कुल सही कहा हम अपना स्ट्रक्चर से संबंधित वास्तु लिविंग में स्ट्रक्चर से संबंधित विषय अब यहीं संपन्न करना चाहेंगे और यहीं संपन्न करेंगे यदि इससे जुड़े आपके मन में कोई सवाल हो कोई सुझाव हो कुछ ऐसी कोई ऐसा विषय हो जिसको आप चर्चा का विषय समझते हैं कि आप और दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं तो निसंकोच हमें लिख भेजें हमारा फैक्स नंबर है सेवन और हमारा ईमेल एड्रेस है वास्तु एट tvasiausa.com एक बार फिर से नोट करें वास्तु at और हमारा है आ, पिछले अंक में हमने हमारे एक दर्शक मंजू अग्रवाल की ईमेल को हाथ में लेकर के समय के अभाव की वजह से हमें रोकना पड़ा था मंजू जी आपका ईमेल हम ले रहे हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 मई उन्नीस सौ लिखती है आई लाइक टू वॉच योर शो आई हैूम हाउसेज a house faces north and we moved in this house five years ago and i live in a joint family with my husband's brother family my bedroom is on the northeast side and i and my husband sleep with the uh, heads towards east The problem is from last three years I have so much pain in my neck and shoulders that does not go with my uh, that does not go away with treatment. I want to study further but due to this pain I uh, I get discouraged. Uh, can you tell me some solution? क्या कहेंगे मंजू जी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में लिखा है मुझे अकॉर्डिंग टू वास्तुशास्त्र के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ से आप नॉर्थ ग्रुप पर्सनालिटी हो फिलहाल आपने अपने घर के बारे में जो बताया है उसमें भी यही बताया कि ये नॉर्थ फेसिंग हाउस है बट मास्टर बेडरूम की सिचुएशन आपके लिखने के अनुसार नॉर्थ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम पड़ता है अगर वास्तु के अनुसार मैं आपका डायरेक्शन चार्ट रेडी करती हूँ तो उसमें नॉर्थ ईस्ट आपके हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए वर्स्ट डायरेक्शन में जाता है तो फिलहाल तो सिंपल सी रेमेडी ये है कि अगर किसी भी चीज़ का सिंपल सोल्यूशन अगर आपके पास किसी फैमिली के थ्रू अंदर आप इंटरनल किसी बेडरूम को एक्सचेंज कर सकते हो या गेस्ट रूम को या किसी और रूम को अपने बेडरूम के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हो तो बहुत सिंपल सोल्यूशन ये है कि आप अपने मकान में नॉर्थ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग ऐसे कोई भी कमरे बने हो तो आप एटलीस्ट कम से कम कुछ दिनों तक भी उसका यूज़ करके देखो अगर वहाँ पे आप कंफर्टेबल फील करते हो आपको लगता है कि बहुत अच्छी गहरी नींद आ जाती है और हेल्थ क्वेश्चन के बारे में कुछ उसमें से आप सोल्यूशन निकाल सकते हो तो बहुत आसान तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले आप अपनी डायरेक्शन बदल दो दूसरी बात वास्तु के अंदर अं, अंदर हेल्थ के लिए कुछ प्रॉब्लम्स के लिए कुछ प्रोडक्ट सजेस्ट किए हैं एक तो है डब्ल्यू ओ डैश एल ओ यू वलू करके एक प्रोडक्ट आता है जो आप बेड के दोनों ओर यूज़ कर सकते हो एक क्वानीन करके प्रोडक्ट है बट जहाँ तक मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम आपकी गलत डायरेक्शन में सोने की वजह से है अगर आप दशा बदल देंगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम में बहुत हद तक आपको उसका सोल्यूशन ईजीली मिल जाएगा ये जो अगला ईमेल मैं ले रहा हूँ पल्लवी जी वो हमें लिखा है कुलविंदर कौर संधू जी ने कुलविंदर जी लिखती हैं उनकी डेट ऑफ बर्थ है सात नवंबर उन्नीस और उन्होंने अपने डेट ऑफ और अपने हस्बैंड का नाम उन्होंने लिखा है अमरजीत सिंह संधू और उनके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है मार्च फर्स्ट नाइनटीन सिक्सटी की पैदाइश है वह लिखती हैं कि उनका जो घर है वो नॉर्थ फेसिंग है वास्तु में, में वे बहुत आ, अधिक विश्वास रखती हैं वे लिखती हैं बट फैमिली रूम इज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर एंड द फायर प्लेस इज इन द वेस्ट वॉल ऑफ दिस फैमिली रूम इन द मिडल ऑफ द वॉल मास्टर बेडरूम इज ऑन द टॉप ऑफ दिस रूम एक्चुअली आई एम कंसर्न अबाउट फायर प्लेस वह लिखती हैं वेस्ट फायर प्लेस इज नॉट गुड फॉर फाइनेंस एज आई हर्ड फ्रॉम पल्लवी जी ऑन टी हमारे ही कार्यक्रम से उन्हें ये जानकारी uh, प्राप्त हुई है जी कुलविंदर जी आ, आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ी हुई हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया वह लिखती हैं कि इज दर एनी रेमेडी फॉर दिस फॉर रिमूविंग दिस फायर प्लेस या इस, इस ये जो वेस्ट में है उसका कोई तोड़ है और वह लिखती हैं कि सेम थिंग इज हैपनिंग वी वॉन्ट टू सेल द हाउस फॉर द लास्ट टू ईयर्स बट घर जो है बिक नहीं रहा है उन्होंने लिखा कि घर तीन हजार स्क्वायर फिट का है बहुत अच्छा है सब कुछ ठीक होने के बावजूद क्या ये फायर प्लेस गलत जगह पर है उस वजह से uh, ये घर नहीं बिक रहा है कुलविंदर जी शुक्रिया आपके ईमेल के लिए और अकॉर्डिंग टू आपकी डेट ऑफ बर्थ के अनुसार आप नंबर सेवन नॉर्थ वेस्ट रूप पर्सनलिटी हो आपके लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट सारी बहुत फ़ायदेमंद दिशा हैं आपकी लाइफ में नुकसान कारक दिशाओं में नॉर्थ साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट ये चारों आपके लिए नुकसानदेह डायरेक्शन है आपके फिलहाल क्वेश्चन फायर के साथ हैं मेरा उसके लिए सबसे आसान और सिंपल सोल्यूशन ये है कि फ़ायर प्लेस का इफ़ेक्ट माइनस इफेक्ट तभी होता है जब अगर आप उसका यूज़ करो अगर आप जिस जहाँ पे जिस लोकेशन में रहते हो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो आप फायर प्लेस का मिनिमम यूज़ कर सकते हो या फिर फायर प्लेस को बिल्कुल ही यूज़ ना करें उसके बजाय आप एक्स्ट्रा कोई भी रूम हीटर वग़ैरह का यूज़ कर सकते हो तो आप आसानी से उसकी माइनस इफ़ेक्ट से निकल जाओगे किसी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो कि फायर यूज़ करना ही पड़े तो वहाँ पर आप वन फिट के आसपास मेटल का कोई स्क्रैप लेकर आप रख सकते हो जो कि काफ़ी गहराई में या ज़मीन में खुदाई करके डाल सकते हो या वहाँ पे आप स्क्रैप रख सकते हो और मेटल के कुछ विंड चाइम्स होते हैं और आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा मेटल को इस्तेमाल करने से बहुत हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी रही बात मकान को बेचने की तो शायद इसी प्रोग्राम में मैं आगे जाके प्रॉपर्टी को बेचने के लिए आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ रास्ते दिखाने वाली हूं तो शायद आपके सवाल के जवाब भी आपको मिल जाएंगे तो ये था आपके प्रश्न का उत्तर और दर्शकों आ, मेरे पास इस वक्त ई हैं अनिरुद्ध रेड्डी जी का आ, संगीता करणवार जी का और तमाम दर्शकों की ई हैं इसको हम अपने अगले अंक में शामिल करेंगे फिलहाल स्टूडियो की घड़ी हमें बता रही है कि इस अंक को अब हमें यहीं संपन्न करना होगा आ, इस विश्वास के साथ कि अगले अंक में एक नए विषय के साथ हम फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए विकास नांगिया और पल्लवी छिल्लावाड़ा को इजाजत दीजिए नमस्कार पल्लवी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद Thank you.